हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर। आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग कैसे 2023 में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन से अप्लाई कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के कुछ प्रोसेस है। जैसे पहले आपको लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है, उसके बाद लर्नर लाइसेंस टेस्ट होता है, उसके बाद आपको लर्नर लाइसेंस मिलता है, उसके एक महीने बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन से अप्लाई करना होता है। तो आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप कैसे लर्नर लाइसेंस के लिए पहले अप्लाई कर सकते हो। तो अप्लाई करने के लिए आपको पहले इस पोर्टल में आना होगा। इस पोर्टल का लिंक रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, इस वेबसाइट का नाम है parivahan.gov.in। इस वेबसाइट में आपको आना है ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के लिए। इस पेज का लिंक रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पेज में आने के बाद ऊपर में ऑनलाइन सर्विस का एक ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर सेकंड नंबर में जो ऑप्शन है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होंगे कुछ इस तरीके से। इस पेज में आपको सिंपली नीचे पहले आपको आपका स्टेट का नेम सिलेक्ट करना है। आप जो भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हो उसी स्टेट का नाम यहाँ पर आपको डालना है। तो स्टेट का नेम सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएंगे। आप स्टेट का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। तो इस ऑप्शन में से पहला जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। तो इस ऑप्शन में क्लिक करने के बाद लर्नर लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और लर्नर लाइसेंस पाने के एक महीने के बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन से अप्लाई कर सकते हो। तो आपको पहले इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। नीचे यहाँ पर लर्नर लाइसेंस टेस्ट का भी एक ऑप्शन दिया हुआ है। ट्यूटोरियल आप यहाँ पर देख सकते हो कैसे लर्नर लाइसेंस टेस्ट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, लर्नर लाइसेंस वाले ऑप्शन में क्लिक करते आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे। इस पेज में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जो ऑप्शन आपको कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको कंटिन्यू बटन में क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे। इस पेज में यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर जनरल कैटेगरी में आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो। आप यहाँ पर क्लिक करके भी वो यहाँ पर देख सकते हो। उसको सबमिट बटन में आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। इसमें क्लिक करते आपके सामने ऐसा कुछ पेज आ जाएंगे। इस पेज में आने के बाद आपको यहाँ पर दोनों ऑप्शन मिलेंगे। जैसे पहला ऑप्शन सबमिट वी आधार ऑथेंटिकेशन, आप आधार ऑथेंटिकेशन के साथ इसको अप्लाई कर सकते हो। आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया जाएगा। या सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन, आपके आधार कार्ड में अगर कुछ भी गलत है, रंग है, तो आप इस सेकेंड ऑप्शन चूज कर सकते हो। आधार ऑथेंटिकेशन के द्वारा आप अगर करना चाहते हो तो पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करना है। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद इसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ पेज आएंगे। इस पेज में आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल सकते हो या वर्चुअल आईडी डाल सकते हो। तो आधार कार्ड नंबर देने के बाद आप जेनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर ओटीपी देने के बाद आप यहाँ पर जो हेयर बाय बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स में चेक करने के बाद ऑथेंटिकेशन में आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने पूरी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। आपके आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है, आधार कार्ड में जो भी फोटो है, वो सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे ऑथेंटिकेशन के द्वारा। तो ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। सही डिटेल्स अगर है तो आपको यहाँ पर प्रोसीड बटन में क्लिक करना है। प्रोसीड बटन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे। इस पेज में आपको ऊपर में RTO ऑफिस आपको सिलेक्ट करना है। कुछ चीज है जो ऑटोमेटिक आधार कार्ड से यहाँ पर आ जाएंगे, और ऊपर में कुछ ऑप्शन है जो आपको फिल करना है। जैसे आपको RTO ऑफिस आपको डालना है, आपके नजदीकी जो RTO ऑफिस, वो RTO ऑफिस आपको यहाँ पर देना है। तो आपके हिसाब से यहाँ पर RTO ऑफिस यहाँ पर आप चूज कर लीजिए। जिस भी ऑफिस में आपका लर्नर लाइसेंस टेस्ट देना चाहते हो या ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देना चाहते हो, वही RTO ऑफिस, मोटर व्हीकल्स ऑफिस आपको यहाँ से चूज करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेंगे प्लेस ऑफ बर्थ। आपका प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर देना है। नीचे क्वालिफिकेशन आपको डालना है। आपका क्वालिफिकेशन, कितने दूर तक आप पढ़ाई किए हो, वो क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम आप 8th पास या 10th पास आप यहाँ पर देख सकते हो। नीचे यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप आपको सिलेक्ट करना है। आपका जो भी ब्लड ग्रुप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। नीचे एक मेल आईडी भी आप यहाँ पर वो डाल दीजिए। नीचे यहाँ पर आपको आपका एक फोन नंबर डालना है। जो भी आधार कार्ड में रजिस्टर है वो दे सकते हो, या आपके जो भी फोन नंबर आप यूज करते हो वो फोन नंबर भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो ये सारा कुछ फॉर्म आपको धीरे धीरे यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। तो सारा कुछ डिटेल्स फिल करने के बाद आपका अगर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप इस बॉक्स में चेक कर सकते हो। तो ये जो एड्रेस है ये पहले से ये पर एड्रेस आ जाएंगे आपके आधार कार्ड में, जो भी एड्रेस है उसके हिसाब से। ये एड्रेस अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर दूसरी नंबर बॉक्स पे आपको यहाँ पर आपको सिंपली चेक करना है। तो दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आपको आता है। यहाँ पर आप जहां पर भी रहते हो उस एड्रेस में आप कितने दिन से या कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हो उसी जगह पे, वो यहाँ पर आप डाल दीजिए।
ठीक है। तो सारा कुछ डिटेल्स आपके अच्छी तरीके से यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, जैसे मोटरसाइकिल विदाउट गियर। आप अगर मोटरसाइकिल विदाउट गियर चाहते हो तो पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। आप अगर मोटरसाइकिल विद गियर के साथ मोटरसाइकिल चाहते हो तो आपको सेकेंड ऑप्शन चूज करना है। आप अगर लाइट मोटर व्हीकल्स चाहते हो तो थर्ड ऑप्शन चूज करना है। और नीचे और भी ऑप्शन है, एडेप्टेड व्हीकल्स अगर चाहते हो तो यहाँ पर वो ऑप्शन चूज करना है। तो जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर आपको चूज करना है, जैसे भी आपको गाड़ी खरीदना है या जैसे भी गाड़ी चलाते हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर लाइसेंस आपको बनाना है। जैसे लाइट मोटर व्हीकल्स और मोटरसाइकिल विद गियर, ये दोनों ऑप्शन आप एक साथ भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर जो जो ऑप्शन आपको चूज करना है आपके हिसाब से आप यहाँ पर चूज कर लीजिए, उसके हिसाब से ही लाइसेंस आपका बनेगा और वही वही आप व्हीकल्स चला सकते हो। नीचे ऑप्शन है एप्लीकेंट ट्रेंड फ्रॉम ड्राइविंग। आप ड्राइविंग स्कूल से आप अगर ट्रेंड किए हो ड्राइविंग के, तो आप यहाँ पर वो चेक कर सकते हो। और कौन सी ड्राइविंग, यहाँ पर और भी एक सिलेक्ट क्लास व्हीकल्स विच ट्रेनिंग, अगर ट्रेनिंग लिए हो तो कौन सी ट्रेनिंग लिए हो, अगर ट्रेनिंग नहीं लिए तो इस बॉक्स में चेक आपको नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर सेफ डिक्लेरेशन फ्रॉम वन आपको मिलेंगे, यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। आपको जो येलो यहाँ पर बटन दिख रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस फॉर्म में से यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर यहाँ पर देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में से आप यहाँ पर वो क्वेश्चन जो है, यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन, वो यहाँ पर आप पहले रीड कर लीजिए। यहाँ पर फिजिकल फिटनेस के ऊपर आपको क्वेश्चन दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन में से ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पर आपको नो कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद इस बॉक्स में चेक करके सबमिट बटन में आपको क्लिक करना है। तो पहला जो सारी क्वेश्चन का आंसर है जो आपको नो करना है, सिर्फ सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है यहाँ पर इसको आपको यस करना है। सेकंड नंबर जो क्वेश्चन इसको यस करना है, बाकी सारी क्वेश्चन को आप नो कर दीजिए। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट बटन में क्लिक कर देना है। सबमिट बटन में क्लिक करते आप देख सकते हो स्लेप डिक्लेरेशन एज टू फिजिकल फिटनेस हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली, मेरा यहाँ पर हो चुका है। इसको बैक कर देना है। बैक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे और भी एक ऑप्शन मिलेंगे, आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस एक्सीडेंट डेट। एक्सीडेंट डेट आपको अगर होता है तो आपका जो ऑर्गन है वो आप देना चाहते हो या नहीं देना, आप अगर देना चाहते हो तो यस करना है, आप अगर उस ऑर्गन को डोनेट करना नहीं चाहते हो तो आपको इसको नो कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली सबमिट बटन में आपको क्लिक कर देना है। सबमिट बटन में क्लिक करते आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएंगे। इस पेज में इसको आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरा यहाँ पर सबमिट हो चुका है फॉर्म, उसके लिए आपको इसको ओके कर देना है। आपके सामने एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएंगे, इस स्लिप को आप प्रिंट आउट करके रखिए, क्योंकि इस स्लिप का बाद में भी आपको जरूरत होंगे, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन डेट, आपका कुछ कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिया होता है। तो इस पेज को आप यहाँ पर प्रिंट आउट करके लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ शो होंगे, कैप्चा कोड देके सबमिट बटन में आपको क्लिक करना है। सबमिट बटन में क्लिक करते आपके सामने कुछ ऐसा पेज शो होंगे। इस पेज में आप जो भी अभी तक फिल किए थे उसका सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद नीचे आते ही आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर नीचे डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी, मेरा यहाँ पर एग्जम्प्टेड, इसको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अभी मुझे यहाँ पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर मुझे यहाँ पर अपलोड करना है, और उसके बाद फीस पेमेंट मुझे यहाँ पर करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पर स्लॉट बुकिंग करना है। तो यहाँ पर 5 स्टेप है जो स्टेप मुझे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत मुझे नहीं है, यहाँ पर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर मुझे अपलोड करना है। इसके लिए मुझे प्रोसीड बटन में आपको नीचे क्लिक करना है। तो अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर में क्लिक करने के बाद प्रोसीड बटन में क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड बटन में क्लिक करते आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएंगे। इस पेज में आप यहाँ पर आपका फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको ब्राउज बटन में क्लिक करके अपलोड कर सकते हो। तो ब्राउज बटन में क्लिक करके आपका रिसेंट जो पासपोर्ट साइज फोटो वो यहाँ पर डाल दीजिए, वही फोटो आपके ड्राइविंग लाइसेंस में आएंगे। और यहाँ पर आपको एक सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो ये दोनों चीज आप यहाँ पर पहले अपलोड कर लीजिए। अपलोड करने के बाद सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, नीचे जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में क्लिक करके इसको अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट जो बटन है, नेक्स्ट बटन में आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन में क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर आपको सिंपली कैप्चा कोड फिल करके प्रोसीड में क्लिक करना है। तो ये जो स्टेप है वो देख सकते हो, यहाँ पर मेरा कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। अभी मुझे फीस पेमेंट यहाँ पर आपको करना है। तो फीस पेमेंट करने के लिए आपको फीस पेमेंट का जो ऑप्शन यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके प्रोसीड बटन में आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फीस पेमेंट वाला ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए, उसके बाद प्रोसीड बटन में क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड बटन में क्लिक करते आपके सामने जो पेमेंट गेटवे पेज वो यहाँ पर आ जाएंगे। पेमेंट गेटवे पेज से आप यहाँ पर देख सकते हो आपको कितना पैसा यहाँ पर देना है। आप जो भी लाइसेंस चूज किए थे उसके हिसाब से आपको पैसा यहाँ पर पे करना है। तो मैंने यहाँ पर दोनों चीज यहाँ पर मैंने चूज किए थे, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर पैसा भी ऐसा ही कुछ देना होता है। तो यहाँ पर टेस्ट के लिए 50 रुपीज और दोनों के लिए 150 रुपीज पे करना है।
टोटली मुझे यहाँ पर 350 रुपीज़ मुझे यहाँ पर पे करना है, आप यहाँ पर वो देख सकते हो। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप बैंक गेटवे ट्रांसफर यहाँ पर आपको सिंपली EGRS यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको पे नाउ बटन में आपको क्लिक कर देना है। पे नाउ बटन में क्लिक करते आपके सामने पेमेंट गेटवे पे जाएंगे, यहाँ पर आप पेमेंट गेटवे से आप आपका डेबिट कार्ड नंबर डिटेल्स देके आप यहाँ से पे पहले कर लीजिए, OTP देके आप यहाँ पर पे कर लीजिए। पे करने के बाद पे सक्सेसफुली हो जाएंगे, यहाँ पर स्लिप में क्लिक करके आप यहाँ पर पेमेंट स्लिप आप यहाँ से वो भी यहाँ से प्रिंट आउट कर लीजिए, इसको आपको बाद में जरूरत होंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो सारा प्रोसेस है मेरे यहाँ पर वो कंप्लीट यहाँ पर हो चुका है। तो सारा कुछ प्रोसेस जो ऑप्शन वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पर जो है स्लॉट बुक मुझे यहाँ पर करना है, स्लॉट बुक करके मुझे यहाँ पर टेस्ट देना है। तो आप यहाँ पर व्हीकल्स रोड सेफ्टी ट्यूटोरियल भी आप यहाँ से क्लिक हेयर में क्लिक करके आप वो देख सकते हो। तो ऊपर में जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है ट्यूटोरियल में, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर देके जनरेट OTP में क्लिक करिए। आपके मोबाइल नंबर जो भी आपने दिए थे उसमें OTP जाएंगे, OTP देने के बाद आप यहाँ पर लैंग्वेज सेट कर दीजिए। लैंग्वेज सेट करने के बाद आपको सिंपली सबमिट बटन में आपको क्लिक करना है। सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कुछ आपको वीडियो यहाँ पर दिखाया जाएगा रोड सेफ्टी के बारे में। तो ये चीज देखने के बाद आपको यहाँ पर यू हैव सक्सेसफुली मेरे यहाँ पर देख चुका हूँ वो वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड फॉर लर्नर लाइसेंस टेस्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर योर सक्सेसफुली व्यू ट्यूटोरियल मुझे यहाँ पर वो सारा कुछ डिटेल्स देख चुका हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड फॉर लर्नर लाइसेंस टेस्ट यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है आपका स्लॉट यहाँ पर बुक करने के लिए। तो प्रोसीड फॉर लर्नर लाइसेंस टेस्ट में आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। तो लर्नर लाइसेंस टेस्ट देने के बाद ही आपको लर्नर लाइसेंस यहाँ पर मिल जाएंगे। आप उसी वीडियो में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन मिनिमम आपको आंसर सही करना है, उसके बाद ही लर्नर लाइसेंस आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही आपको पहले लर्नर लाइसेंस के ऑनलाइन से अप्लाई करना है बहुत आसान और इजी तरीके से।